आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के विषय में। फ्लिपकार्ट, आप लोगों को पता होगा कि फ्लिपकार्ट से आप हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन वही फ्लिपकार्ट ऐप क्या है कि आपको पर्सनल लोन भी यहाँ पे दे सकता है। उसका फीचर्स भी यहाँ पे फ्लिपकार्ट लेके आया हुआ है। अभी तक जो पहले यहाँ पे लोन मिलता था वो केवल 5 लाख रुपीज तक का लोन यहाँ पे फ्लिपकार्ट देता था, लेकिन अभी क्या है कि उस अमाउंट को इंक्रीज करके यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने 10 लाख रुपीज तक कर दिया है। यानी अगर आपको 10 लाख रुपए तक की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट के थ्रू आकर के आप लोन अप्लाई करके यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे बिल्कुल डिटेल आपको देने वाला हूँ। एक एक स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट से लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि क्या आपको वास्तव में फ्लिपकार्ट से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं तो कितने तक का फायदा या नुकसान यहाँ पे आपको हो सकता है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी अपना बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या कहता है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल सच्चाई बताने वाला हूँ। सही बात क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, कहीं से वीडियो स्किप मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित ही इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि क्या वास्तव में आपको यहां से लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चैनल पे पहली बार होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारे यहां से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको फटाफट मिल सके। आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहले से वीडियोज अगर देखते आ रहे होंगे तो मैं अक्सर अपने वीडियोज में बताता रहता हूं कि देखो, पहली बात कि आपको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको मान लो आवश्यकता है ही कि आपको लोन लेना ही है तो आप हमेशा जो भी बड़े बैंक है, नेशनलाइज बैंक हैं, उनका अगर रुख आप करते हैं तो वहां पे आपको आसानी से भी वहां से लोन मिल सकता है और आपको वहां पे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बैंक आपको लोन देते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी आप इंस्टेंट लोन ऐप्स के चक्कर में भरसक न पड़े, क्योंकि इंस्टेंट लोन ऐप्स में आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो यहां पे एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने नेशनलाइज बैंक के थ्रू अगर लोन अप्लाई करके ट्राई किया हुआ है, अगर वहां से अगर आपको लोन नहीं मिलता है बाई चांस, मान लो अगर उसके बाद जाकर के आप फ्लिपकार्ट से यहां पे लोन अप्लाई करिएगा। तो आइए सीधे मैं अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और एक एक स्टेप यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप आसानी से यहां पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज, आप यहां पे सिंपल जो है कि फ्लिपकार्ट के ऐप पे आ जाएंगे। जैसे आप यहां पे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे अभी फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है, बिग बिलियन डेज। यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे क्रेडिट ऑप्शंस में आपको जो दे रहा है ऑप्शन कैश लोन अप टू 10 लाख रुपीज, ये जो ऑप्शन है यही आपका लोन वाला ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपल यहां पर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहां पे जैसे आप अंदर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ चीजें बहुत ही खास हैं जो कि आपको यहां पे देख लेना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको गेट इंस्टेंट लोन आपको 10 लाख रुपीज तक का आपको शो कर रहा है। जो आपके यहां पे लोन के पार्टनर्स अगर आप देखें यहां पे तो इनके लोन के पार्टनर्स कौन कौन से लोग हैं, यहां पे एक्सिस बैंक का नेम दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, IDFC फर्स्ट बैंक है, मनी व्यू है, DMI फाइनेंस और क्रेडिट सेशन है। तो अगर आप देखें तो ये इनके सारे लोन के पार्टनर्स हैं। अगर हम यहां पे बेनिफिट्स की बात कर लें तो यहां पे आपको 3 मंथ से लेके और 60 मंथ यानी 5 ईयर्स तक का आपको टाइम आपको यहां पे लोन को चुकाने का मिल जाता है। आपको यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है यहां पे वो केवल 10.99 ऑनवर्ड्स दिया हुआ है कि आपको इतने परसेंट पे लोन मिल सकता है। लेकिन एक बात मैं अगर आपको यहां बता दूं कि अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हैं तो इस 10.99 पे जल्दी आपको यहां पे लोन नहीं मिल सकता है। आपको जब भी लोन मिलेगा 15% से ज्यादा पे ही आपको लोन मिलेगा, हो सकता है 17, 18, 19, 20, आपको 36% तक पे भी लोन मिल सकता है। यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा कि जैसे आप डिटेल अपना डालेंगे, सब कुछ डिटेल एंटर कर देंगे, उसके बाद जिस भी NBFC या बैंक से आपकी प्रोफाइल मैच करेगा वो बैंक या वो NBFC आपको यहां पे लोन दे देगा और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट
कितना लगाया जाता है। जाहिर सी बात है कि यहां पे फ्लिपकार्ट डायरेक्ट यहां पे लोन नहीं दे रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट फाइनेंस नाम से कोई भी एनबीएफसी या कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, ये आपको भी पता होगा। तो अगर फ्लिपकार्ट ये काम कर रहा है, इनके पार्टनर्स ये सारे बैंक हैं, तो जाहिर सी बात हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्रोकर का काम यहाँ पे फ्लिपकार्ट केवल कर रहा है। सोचो कि अगर आप फ्लिपकार्ट के थ्रू एक ब्रोकर के थ्रू अगर आके आप लोन अप्लाई करते हो, तो इससे अच्छा क्यों नहीं कि डायरेक्ट इन बैंक में ही जाके आप लोन अप्लाई करो। तो अगर वहां पे जाके अगर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह में आपको अच्छा कुछ मिल जाए, आपको कुछ फायदा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर आप यहीं से अगर चाहते हैं कि नहीं हम यहां से ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आपको हो सकता है लोन मिलने की आपको चांसेज आपकी ज्यादा हो, तो अभी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे एक एक स्टेप की आप यहाँ पे कैसे अब आगे यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं अगर आप लोन अप्लाई आपको करना है तो जो पेज ओपन हुआ है आपके सामने, यहाँ पे फर्स्ट एंड मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, पैन कार्ड, एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, आप अपना जेंडर आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, पिन कोड अपना आपको यहाँ पे डालना होगा, ईमेल आईडी आप डालिएगा, पर्पज ऑफ लोन आप किस काम के लोन लेते हैं ये चूज कर लीजिएगा, आपकी मंथली इनकम नेट कितनी है यहाँ पे ये एंटर करना है, जो चेक बॉक्स आपको सिंपल दिया हुआ है इस पे केवल टिक करके इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपने प्रोफाइल के विषय में दिखा दूं आपको, तो यहाँ पे जैसे मैंने डिटेल डाल के यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे ओपन होके आ चुका है कि यू आर गुड टू गो। यहाँ पे अप्रूव्ड लिमिट जो है मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे 2 लाख रुपीस तक का लोन यहाँ पे ऑफर यहाँ पे फ्लिपकार्ट की तरफ से हो रहा है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्सिस बैंक मुझे यहाँ पे लोन दे रहा है, मेरे प्रोफाइल के हिसाब से एक्सिस बैंक यहाँ पे अग्री है यहाँ पे लोन देने के लिए, तो एक्सिस बैंक के थ्रू मुझे यहाँ पे लोन मिल सकता है। अभी देखिए दोस्तों नीचे जैसे जो ऑप्शन दिया आपको कन्फर्म एंड कंटिन्यू, मुझे यहाँ पे सिंपल इस पे अभी क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आगे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 से लेके 2 लाख रुपीज तक का लोन यहाँ पे मुझे मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं चाहूं तो लोन अमाउंट को कम या ज्यादा यहाँ पे मैं कर सकता हूं। तो आइए, मुझे यहाँ पे वैसे लोन की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो मैं यहाँ पे केवल आपको 50,000 रुपीज पे ही मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखा देता हूं कि कैसे यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स इसका दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे ऊपर जो यहाँ पे लगा हुआ है वो 19% पे मुझे यहाँ पे एक्सिस बैंक यहाँ पे फ्लिपकार्ट के थ्रू मुझे लोन यहाँ पे ऑफर हो रहा है। देखिए दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को पता होगा कि वो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप लोन अप्लाई करने जाते हैं तो आपका इनकम क्या है, आपका सिबिल स्कोर क्या है, इसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे लगा हुआ है, मेरे ऊपर जो लगा हुआ है पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो यहां पे 19% लगा हुआ है। अगर मैं यहां पे अगर आप देखें यहां पे ईएमआई का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे 18 मंथ से लेकर के और 36 मंथ तक के लिए मैं 50,000 का रुपीस मैं यहां पे लोन का ले सकता हूं। तो जो भी मैं चाहूं यहां पे ईएमआई चूज करना जितने मंथ के लिए, यहां पे मैं किसी एक पे मैं टिक करके उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट पे यहां पे क्लिक कर सकता हूं। अब मान लो कि यहाँ पे 50,000 मैं लेता हूँ, केवल मैं 6 महीने के लिए ही मान लो यहाँ पे लोन मैं अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो ईएमआई आने वाला है केवल 8,802 रुपीज यहाँ पे पर मंथ का मेरा ईएमआई यहाँ पे आने वाला है। सिंपल मुझे इस पे टिक करके उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पे मुझे यहाँ पे अभी क्लिक करना होगा। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे लोन के कई सारे डिटेल्स यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो के आ चुका है। लोन अमाउंट यहाँ पे दे रहा है, प्रोसेसिंग फी कितना लग रहा है 1,180 रुपीज यहाँ पे लग रहा है, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज दिया हुआ है, नेट जो अमाउंट मेरे अकाउंट पे आएगा वो कितना है 48,800 रुपीज यहाँ पे नेट मेरे अकाउंट पे यहाँ पे आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 19% मेरे ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे रीपेमेंट डिटेल्स जो आपका है मंथली ईएमआई 6 मंथ्स तक के लिए केवल यहाँ पे है। टोटल मेरे लोन का डिटेल्स मेरे सामने यहाँ पे अभी आ चुका है। सिंपल मुझे अगर लोन आपको लेना है तो यहाँ पे केवल मुझे यहां पे कंटिन्यू पे आगे क्लिक करना होगा। अगर अभी आप देखें यहां पे तो टोटल डिटेल्स फिर से मेरे सामने एक बार आ चुका है, केवल यहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहां पे आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। एक बात और है दोस्तों कि अगर आप टोटल डिटेल अगर जानना चाहते हो तो यहां पॉज करके एक बार रीड कर लीजिएगा आप लोग भी कि यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। सिंपल चेकबॉक्स मैंने क्लिक किया, इसके बाद मैंने कंफर्म एंड कंटिन्यू पे मैंने यहां पे क्लिक कर दिया।
अभी क्या है कि मुझे यहां पे ऑटो पेमेंट सेट करना है। ऑटो पेमेंट सेट करने का मतलब यह है कि मुझे यहां पे अपने अकाउंट से लिंक करना होगा कि ऑटोमेटिक यहां पे जब भी ईएमआई का डेट आए तो आसानी से मेरे अकाउंट से पैसा वो ईएमआई का डिडक्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना है कि दो चीजें ऑप्शन यहां दो ऑप्शन यहां पे है, नेट बैंकिंग का भी है और डेबिट कार्ड का भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, वो डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि डेबिट कार्ड सभी लोगों के पास होगा। सिंपल डेबिट कार्ड पे यहां पे क्लिक करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे आपको नीचे सिंपल क्लिक करना होगा। और जैसे आप वहां पे अंदर जाएंगे उसके बाद डेबिट कार्ड का नंबर, उसका पिन वगैरह आपसे पूछा जाएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप वेरीफाई कर लेंगे, आपका ऑटो पेमेंट वहां पे सेट हो जाएगा। एक बार जैसे आपका ऑटो पेमेंट सेट होता है, पुनः जो पेज आपके सामने ओपन होके आएगा वहां पे आपको केवाईसी आपको कंप्लीट करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार कार्ड आपका होना आपका मस्ट है, अगर आपके पास आधार कार्ड है, और आधार कार्ड अगर आपका मोबाइल नंबर से लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है, तभी आप यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे केवाईसी आप कर सकते हैं। सिंपल जो आपके डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिएगा, चेकबॉक्स जो दिए इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए क्या है कि मेरे सामने जो ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे ये शो कर रहा है जो मिसमैच के लिए। मिसमैच मतलब क्या है कि मेरे साथ दिक्कत ये हुआ था कि जिस प्रोफाइल पे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ उसमें क्या है कि यहाँ पे आधार कार्ड जो है और जो जिस नंबर से मैं अप्लाई कर रहा हूं दोनों का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे अलग अलग है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि दोनों का कॉन्टेक्ट नंबर आपका मोबाइल नंबर आपका दोनों का सेम है। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में उसी मोबाइल नंबर से जो है कि हम फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करके उसके बाद जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों वो अगर ऐसा रहता है तो अच्छा रहता है, मतलब मिसमैच का ऑप्शन यहाँ पे आता है। सिंपल यहाँ पे ओके पे आप क्लिक कर दीजिएगा, वरना आगे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा उस पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। अभी यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड आप रेडी रखिएगा, आपका इंटरनेट इसका स्पीड अच्छा हो और नॉइज कम हो, साइलेंट रूम हो, ताकि आसानी से वो लोग कस्टमर केयर आपसे बातचीत कर सकें। सिंपल यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद जिस भी बैंक से या जिस भी एनबीएफसी से आपका लोन जो है कि आपको मिला होगा उसके कस्टमर केयर आपके सामने आते हैं, वो लोग सिंपल आपका फोटो क्लिक करते हैं। फोटो क्लिक करने के बाद वो लोग आपका आधार कार्ड शो करने के लिए आपसे कह सकते हैं, आप सिंपल अपना आधार कार्ड दिखाइएगा, कुछ डिटेल्स आपसे पूछेंगे, जो भी डिटेल्स आपसे पूछते हैं आप वो बता दीजिएगा। जैसे बता देते हैं उसके बाद फाइनली क्या होता है कि 5 मिनट का टाइम मैक्सिमम लग सकता है, बहुत लगेगा 5 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद क्या होगा, आपके सामने ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने पेज ओपन होकर आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, आपका जो लोन का जो अमाउंट है अगले 2 घंटे में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर वहां पे शो कर देगा, और यहाँ पे 2 घंटे के अंदर जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, सब कुछ आपका सही पाया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, 2 घंटे के अंदर यहाँ पे लोन का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पे फ्लिपकार्ट के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।